हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक से सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज तो मैं पूजा वगैरह मेरी हो गई है, मैं तैयार शेयर हो गई हूँ। और ये आप देख सकते हो यहाँ इतना मतलब मौसम ख़राब है, तो हम मतलब मैं हॉल में रस्सी बांधी हुई हूँ, ये देखिए। और अभी भी बादल किया हुआ है रांची में यहाँ पे। तो इधर ही कपड़ा उपड़ा भी मतलब धोए नहीं है, आज धोएंगे नहीं, आज थर्सडे है ना, तो नहीं धो पाएंगे, आज धोते नहीं हैं, निरमा साबुन नहीं करेंगे, तो कल धो लेंगे। और ये वाला सब अभी सूखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे तो ड्राई कर लेंगे तो इसमें सूख ही जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं होता है। और ये हमारा बैग कैमरे सब कुछ, ये फ्लावर पोट है, ये गुलदस्ता मैं अपने से खुद बनाई हूँ। और ये सारा जो फ्लावर है वो मैं खुद से ही अपने से ही बनाई हूँ। बहुत कमेंट कीजिएगा हमारा कैसा गुलदस्ता है, और ये जो मोती डाल डाल करके पूरा खुद से अपने से बनाई हुई हूँ। तो अगर आपको अगर चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो मतलब वीडियो के ज़रिए बता सकती हूँ कैसे मतलब एक गुलदस्ता और बना के आपसे आपको दिखलाएंगे कैसे कैसे बनाते हैं। तो आप ये करिएगा तो हम दिखलाएंगे आपको। ये वाला क्या है ना, मैं खुद से ही बनाई हूँ, आप देख सकते हैं निकाल रहे हैं, ये वाला निकाल रहे हैं। तो ये वाला गुलाब का फूल है, ये वाला ये लड़ी लड़ी था। तो ऐसे आप कुछ किसी भी चीज़ का शेप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से है हमारा, अभी दीवार में लगाने वाला है। तो ये देखिए इधर पूरा मैं लगाई हूँ, बनाई हुई हूँ ये वाला। आप ये देखिए ऐसे, और ये वाला एक है गुलदस्ता वाला, ये इसका इसके ऊपर ये टांगने वाला है, इसको ऐसे टांग इसमें डाल करके ऐसे टांग करके ऐसे डाल देंगे। और इसमें गुलदस्ता फूल वगैरह आप डाल सकते हो, इसमें फ्लावर वगैरह ऐसे करके अंदर ये वाला जाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कैसे कैसे मतलब हमारा कैसा लगा ये वाला। तो मैं खुद से ये सब बनाती हूँ, बहुत सारा सब बोरा में भर भर के, पहले जब रेंट में रहते थे ना तो पूरा उसमें लगाया करते थे, तो यहाँ उसमें लगा नहीं रहे हैं। तो इस तरह से बोरा में साफ सफाई करके दीपावली में जब ये हुआ था तो पूरा साफ करके और ऐसे करके रख दिए है। तो घर ले जाएंगे अपना तब लगाएंगे, घर में अपना गांव में लगाएंगे इसको। तो इस तरह से ऐसे टांगा जाता है और इसमें भर सकते हो ये वाला। ये भी मैं अपने से खुद, ये वाला ख़राब हो गया है, ये आरमंडी का कपड़ा रहता है ये वाला, तो इसी से बनता है गुलाब का फूल। और ये एप्पल है, तो एप्पल भी बनाने में बहुत इजी है, आप देख लोगे तो बना सकते हो। तो ऐसे करके इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे आप डाल सकते हो यहाँ से ऐसे, तो ऐसे रहता है ये वाला ऐसे। और जब टंगाएगा दीवार में ना, जैसे ये दरवाज़ा वगैरह के पास में टंगाएगा तो ये सीधा हो जाता है ये वाला, इस तरह से रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे। ये वाला है एक मोती का, दो बनाई, चार पांच ऐसे चार बनाई हुई हूँ ये वाला। तो ये भी बहुत अच्छा, जैसे टीवी वगैरह पे रख सकते हो, तो ये भी बहुत मस्त है, आप देख सकते हो सामने से बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, इजी है, ये भी बनाने में अच्छा ही लगता है ये वाला, देखिए देखने में बहुत सुंदर है, देखिए हमारा। तो हमारा कैसा लगता है ये गुलदस्ता और गुलाब का फूल, तो कमेंट भी कीजिएगा कैसा मैं बना करके आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो ये दिखा बोलिएगा। तो इसको चलिए रखते हैं। तो क्या है ना,
मैं सामने से आपको दिखला रही हूँ, इस तरह से ये देखने में लगता है। और ये है अंदर में बॉल है, तो बॉल डाल करके बनता है ये, तो ये भी मोती से बना हुआ है। और आप जाओगे मतलब इसका अलग मिलता है, ये कहीं से भी मिल जाएगा, तो जहाँ पे मतलब साड़ी वगैरह में लगाने के लिए मोती वगैरह मिलता है ना, जैसे झूमर पीछे मतलब ब्लाउज वगैरह में मिलता है लगाने के लिए, तो वहीं से ये वाला मिल जाता है। और लेस वगैरह मिलता है वहीं सब, अगर मांगोगे तो, अगर आप बनाने चाहोगे तो बना लोगे, तो ये वाला मोती वहाँ पे मिल जाता है, इजीली मिल जाएगा आपको, तो आप ले करके बना सकते हो। तो ये बहुत देखने में बहुत सुंदर है, ये वाला देख सकते हो, ये देखिए सामने से इस तरह से बनाई हूँ, दो दो कलर में है, रेड कलर है, और ये वाला देख सकते हो। तो जो भी कलर आप ले सकते हो उससे बहुत अच्छा बनेगा आपको। तो हमारा वीडियो कैसा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कीजिएगा हमारा फ्लावर पॉट कैसा लगा, और छोटा वाला भी कैसा लगा, और गुलाब का फूल भी कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं कुछ कुछ नाश्ते में। रात में ही मैं ये चावल को पीस करके रखी हुई थी ना, तो उसको बनाएंगे, धुसका बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, और सब्जी रात में ही है तो उसको खा लेंगे। तो चलिए तो हे गाइस, तो मैं किचन की ओर चलती हूँ, आप देख सकते हो, तो आपको चलिए मैं दिखला देती हूँ। पूरा बनाते हुए तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन चलिए आपको भी बोर नहीं करेंगे बार बार किचन में ला करके दिखाने के लिए, खाना वगैरह बनाते बनाते। ये देखिए इसको बना लेंगे, ये सब्जी है और ये दूध है, दूध गर्म कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ, तब तक आप लोग भी खाना वगैरह बनाइए खाइए, तब तक खाना वगैरह बना लेंगे, नाश्ता बना लेंगे, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो अभी बज रहा है 9:30 बज रहा है 9:30, तो हमारा ज़्यादा काफ़ी लेट हो गया है, तो इसलिए तो काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ खाना वगैरह बना लेती हूँ, या अगर ये बनाने के बाद में अगर बच्चा लोग खाने के लिए चाहेगा तो बनाएंगे खाना, फिर से दोबारा बनाएंगे इसको खा करके। तो चलते हैं, मोबाइल लगाती हूँ चार्ज में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो मिलते हैं बनाने के बाद, और जब खा पी लेंगे उसके बाद आपसे बात कर। तो ये मैं बना ली हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे धुसका है और सब्जी है, और यहाँ पर भी है, ये दूर है, ये गिलास, ये देखिए हमारा धुसका कंप्लीट है। तो ये मैं खाने के लिए निकाली हुई हूँ, और इसको रख देते हैं, इतना नहीं खाएंगे, चावल भी बन रहा है ना, तो चावल ही खाएंगे। तो आज सरप्राइज है, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो बहुत अच्छा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बता रही हूँ किस कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी है, और मैं खा करके आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं खाना वगैरह बना ली हूँ, तो दिखा रहे हैं आज हमारा खाना में क्या चीज़ बना है। ये है चावल, चावल बना ली हूँ, ये है दाल, ये है दाल, पालक वगैरह डाल करके बनाई हुई है ना, तो इस तरह इसलिए लग रहा है ऐसा, बहुत टेस्टी लगता है पालक वाला दाल खाने में, और पालक का दाल खाना चाहिए, पालक अरहर।
बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे वीडियो में, तो हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।